हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का टॉपिक है हमारा द फ्यू पीपल नो इन इंग्लिश नेम ऑफ दिस डिश। इन व्यंजन के अंग्रेजी नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये डिश आपने खाई भी होगी, देखी भी होगी, ठीक, पर आपको इसका इंग्लिश में नाम शायद ही किसी कुछ कुछ को पता हो, तो अधिकतर को नहीं पता होगा। तो ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है दोस्तों। तो मैं दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाइयों, मुंह में पानी भी आ सकता है जरा ध्यान से, तो वीडियो मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, समोसा ब्लू कलर में एरो दिखा रखा है और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेसोल, ठीक। तो कई लोगों ने खाया होगा पर इंग्लिश में शायद नाम नहीं पता होगा, तो आप पता चल गया होगा कि क्या कहते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट भाई, मेरा फेवरेट पानी पूरी गोलगप्पे, मैं तो बहुत खाता हूँ। तो उसको कहते हैं वाटर बॉल्स, जैसे कि आप रेड कलर में देख सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया है, मुंह में पानी आ रहा ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी जलेबी आप देख सकते हो फोटो में, और ये ग्रे कलर में दिखा रखा है, फेनल केक बोलते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट है रायता, ब्राउन कलर में दिखा रखा है यहाँ पे, आप फोटो में देख सकते हैं, मिक्स कर्ड, ठीक है, रायते को मिक्स कर्ड कहते हैं, घरों में ज्यादातर गर्मी में बनाया जाता है। नेक्स्ट है मट्ठा, तो मट्ठा, जी हाँ मट्ठा, ये रेड कलर में दिखा रखा है, इसको हम ये कहते हैं इंग्लिश में WHEY, करेक्ट, बहुत कम लोगों को पता होगा ये। नेक्स्ट आते हैं हम छाछ पे, ब्राउन कलर का है, तो उसको हम कहते हैं बटर मिल्क, करेक्ट, बटर मिल्क कहते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इन फोटो में, ऊपर की ओर आपको पकौड़े दिखा रखे हैं और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, फिटिस, और नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको घी दिखाई देगा और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लेरिफाइड बटर, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे कचौड़ी है, तो यहाँ पे दो नाम होते हैं इंग्लिश में आप कचौड़ी के, या तो आप पाई बोल दीजिए या आप बोल दीजिए शॉर्ट ब्रेड, ठीक। अच्छा चलिए अब नीचे की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा खोया और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम कंडेंस मिल्क, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं फोटो के अंदर पान, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बीटल लीफ, ग्रीन कलर के एरो में, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से नीचे चले गए तो अब आप देखेंगे यहाँ पे पीले कलर का एरो है जिसे हम पोहा कहते हैं, और इसको कहते हैं पाउंडेड पैडी, करेक्ट दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नमकीन, ब्लैक कलर के एरो में, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं साल्टी स्नैक्स, करेक्ट। इसके नीचे देखेंगे ग्रे कलर का एरो है और इसमें आपको दिखा रखा है खीर, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइसी पैडी, करेक्ट दोस्तों। आई होप कि आपको चित्रों की सहायता से ये सारे फिगर्स आपको समझ में आ गए होगी, डिशेव का नाम इंग्लिश हिंदी और चित्रों की सहायता से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे दीजिए ज्यादा धन्यवाद।